सो हेलो फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइफ डायरी। तो आज का दिन थोड़ा स्पेशल, अलग और आज ज़रा प्यारा सा है, क्योंकि मैं फ्रेश हो जाती हूँ। हमारा हुलिया देख के समझ आ रहा होगा कि मैंने अभी जस्ट यहाँ से अपना ब्लॉगिंग शुरू किया है। तो फ्रेश होके मिलते हैं, फिर बताती हूँ आज क्या है। टाटा। तो फाइनली मैं नहा धो के हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्रेश। और स्पेशल डे आज ये है कि मेरी दी के बेटे का हो गया है पूरा सेकेंड मंथ कंप्लीट। तो उसकी मासी उसे ऐसे थोड़ी जाने देगी। मैं आज वापस से उसका करने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा फोटोशूट। तो उसके लिए फिलहाल मुझे उसे रेडी करना है, सेटअप रेडी करना है, बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ आपके साथ आगे शेयर। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट। टाटा। तो मैं और मेरी दी फाइनली लग गए हैं अपने काम पे। हमने एक येलो कलर का काफ़ी बड़े साइज़ का कपड़ा लिया है, जिसे हमने आयरन करके बेड पे बहुत अच्छे से बिछा दिया, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड अपना एकदम लाइट कलर का चाहिए था, क्योंकि इसमें मेरा जो भी है वो काफ़ी कलरफुल एंड डार्क कलर का है। ये बोर्ड मैंने उसके फर्स्ट व्लॉग में भी यूज़ किया था, जिसमें मैंने 1 मंथ लिखा था। तो ये उसके हर एक फ़ोटोशूट में बहुत ईजिली यूज़ हो सकता है, तो मैंने इस पर लिख दिया है 2 मंथ्स। ये कम्प्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड मैं अब लगती हूँ अपने मेन और दूसरे सेटअप पे। तो मैं बना रही हूँ एक पिकॉक। तो मैंने उसके लिए अपना एक स्टोल ले लिया है, एंड उसी के कपड़ों को लेकर के मैं उसे एकदम सर्कल बना ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर ही बेबी को रखूँगी। मैं मार्केट से जाके काफ़ी सारा मोर का पंख लेके आई थी, ताकि मैं इसे 6 से पिकॉक का एक लुक दे पाऊँ। तो कोशिश मेरी यही है। तो आगे देखते हैं मेरा सेटअप कैसा रेडी होता है। तो मेरी दी को मेरा बोर्ड थोड़ा सा इनकम्प्लीट एंड ब्लैंक लग रहा था, तो मैंने उस पर थोड़ा बहुत स्टार्स बना दिया है, ताकि वो थोड़ा सा भरा भरा एंड अच्छा दिखे। तो ये हो चुका है कम्प्लीट। टन टना। तो ये रहा मेरा क्यूट सा प्यारा सा बेबी, जो हो चुका है आज पूरे 2 मंथ्स का। तो मैं और मॉम और दी मिलके इसे जल्दी जल्दी से रेडी कर रहे हैं, क्योंकि ये फ़िलहाल सो रहा है। अगर ये उठ गया ना, तो ये हमें छूने भी नहीं देगा। तो मॉम, मैं, दी इसे फटफट रेडी कर रहे हैं। इसके पास इसकी जितनी भी प्यारी प्यारी सी ज्वेलरीज थी, हम लोगों ने उसे वो पहना दिया है, उसे रेडी कर दिया है। मैंने मॉम को बोला था इसके सर पर एक प्यारा सा टीका बना देने के लिए, ताकि ये प्रॉपर मेरा प्यारा सा पंडित जी वाला कान्हा जी दिखे। तो ये हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी। अब मैं आपको इसे एकदम फुल ऑन रेडी करके आगे दिखाती हूँ गाइस। तो अब बारी आती है इसके चन्ने की, जिसका लुक को पूरा कंप्लीट करेगा। एंड ये इसके बाद इतना प्यारा लग रहा है ना, ओ माय गॉड, जस्ट लुक गाइस, ये प्यारा लग रहा है। बस हमें डर है कि ये उठ ना जाए, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा उसे चुभ रहा है, उसे थोड़ा सा इसमें अनहेजी लग रहा है। बट हम ट्राई कर रहे हैं कि ये सोता रहे, ताकि मैं जल्दी जल्दी से इसका फ़ोटो शूट कर दूँ कंप्लीट। और जिस बात का डर है वही हो रहा है, ये बार बार उठ जा रहा है यार। इसका रोना शुरू है फिलहाल। इसे किसी तरह मॉम शांत करवा रही है, ताकि ये शांत हो जाए और सोता रहे। सो गया गाइस, सो गया। कहाँ रखेंगे? सो फाइनली हो गया हमारा सेटअप रेडी। तो ये है हमारा सेटअप, और ये रहे हमारे प्यारे से कृष्ण जी। बस हो गया, अब तो हो गया, मेरा शूटिंग खत्म कर दिया ये।
हो गया बस। हाँ मैं दूसरे व्लॉग में मिलता हूँ क्योंकि मैं उठ चुका हूँ। बाय बाय। यस।